आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानेंगे आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। पुरुष स्त्रियों के आकर्षण से कैसे बचे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। जो पुरुष सेवकाई करते हैं जो मसीह में है, मैं उनको संबोधित करना चाहता हूँ। पैसों के साथ ही साथ स्त्रियां भी हम मसीही सेवकों के लिए मुख्य चुनौती बनी हैं। हम अक्सर इस क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के विषय में सुनते हैं और निश्चित तौर पर ऐसी कई दुर्घटनाएं हैं जिनके विषय में हमारे सुनने में नहीं आता। स्त्रियों के प्रति आकर्षण सबके साथ होता है, चाहे वह बड़े शहर की बड़ी कलीसिया का पासवान हो या देहात सीधा साधा प्रचारक हो। हम सभी इस क्षेत्र में परीक्षा में पड़ जाते हैं। मैं अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि के पासवानों से मिला हूँ जिनके पास जीवन में बहुत कुछ नहीं था, और कोई भी ये मानकर चलेगा कि उनके संघर्ष का प्रधान क्षेत्र पैसा और जैसे तैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करना होगा। मुझे ये देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जिन समस्याओं को लेकर वे आए और जिन समस्याओं के विषय में उन्होंने बताया, उसका संबंध स्त्रियों से और उसकी नैतिक असफलताओं और गलतियों से था जो उन्होंने स्त्रियों के मध्य सेवा करते समय की थी। इसलिए संघर्ष के इस क्षेत्र और परीक्षा में कोई भी पुरुष नहीं बच सकता। इसलिए संघर्ष के इस क्षेत्र और परीक्षा से कोई भी पुरुष नहीं बच सकता, धनी हो या निर्धन, शहरी हो या देहाती, अत्यंत प्रार्थनाशील हो, अभिषिक्त, सेवकाई में उसकी बुलाहट चाहे जो हो, मठवासी हो या ओसारे में रहने वाला। इस क्षेत्र में हम में से कुछ लोगों ने असफलताओं का सामना किया है। हमें उठकर पुनरुत्थापन पाने की और आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ हमें दोगुने तौर पर सुरक्षित रहने की आवश्यकता है कि मसीही सेवकों के नाते हम इस क्षेत्र में कैसे विजयी हो सकते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।